जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वैभव एंड अब से नहीं चला करेगी जम्मू तवी जैसलमेर शालीमार एक्सप्रेस। जी हाँ, आपने सही सुना, रेलवे जो है अब इस एक्सप्रेस गाड़ी को बंद करने जा रही है जो जम्मू तवी से जैसलमेर के बीच में चलती है। तो ये जो गाड़ी है शालीमार एक्सप्रेस, ये जैसलमेर से हर मंडे, वेनसडे, थर्सडे और सैटरडे को निकलती थी जम्मू तवी के लिए, और बाकी हफ्ते के बचे हुए 3 दिन ये बाड़मेर से निकला करती थी रात को 12 बजे के बाद। मतलब किसी को जयपुर या जोधपुर से दिल्ली या फिर जम्मू तवी के लिए सफर करना पड़ता था तो जयपुर में हमको ये गाड़ी हफ्ते में 4 दिन जैसलमेर वाली मिल जाती थी और हफ्ते में 3 दिन हमको बाड़मेर वाली मिल जाती थी। पर अब ये जो है डेली की डेली बाड़मेर से चला करेगी, ये गाड़ी जैसलमेर नहीं जाया करेगी। और इसके पीछे का जो कारण है वो कारण ये है कि अब रेलवे ने जो 5 अक्टूबर से रुणीचा एक्सप्रेस चलाई थी, तो अब नॉर्दर्न रेलवे जो है रुणीचा एक्सप्रेस चलाने के बाद शालीमार एक्सप्रेस को बंद करने जा रहा है। और ये जो 5 अक्टूबर को रुणीचा एक्सप्रेस चलाई थी, इसके नोटिस में भी आप यहाँ नीचे देख सकते हो कि जो इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी बाड़मेर जम्मू तवी एक्सप्रेस फ्रॉम ट्राई वीकली टू डेली, यानी अब 14,661,62 बाड़मेर जम्मू तवी जो अभी तक केवल ट्राई वीकली चलती थी, इसको अब डेली चलाया जाएगा। और जो बाड़मेर जम्मू तवी के बीच में ये गाड़ी चलेगी डेली, इसका नाम रख दिया जाएगा शालीमार मलाणी एक्सप्रेस। मलाणी एक्सप्रेस आपको पता होगा ऑलरेडी एक गाड़ी चल रही है बाड़मेर से दिल्ली के बीच में जो जयपुर होके जाती है, और अभी वो LHB भी हुई है और वो तो हमारे NWR की गाड़ी है। पर ये जो गाड़ी अब चला करेगी डेली बाड़मेर से, इसका नाम रखा जाएगा शालीमार मलाणी एक्सप्रेस। और इसके बाद डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सर्विसेज ऑफ 14,645 और 46, यानी जैसलमेर जम्मू तवी को अगली बुकिंग डेट से बंद किया जाना था जो कि है 1 फरवरी। तो 1 फरवरी से आपको जैसलमेर से जयपुर के लिए ये ट्रेन चलनी आपको बंद हो जाएगी। अब जैसलमेर से आपको जयपुर के लिए केवल लीलन एक्सप्रेस बचेगी, रानीखेत एक्सप्रेस बचेगी, और जो रुणीचा एक्सप्रेस इस सेक्शन पे चल रही है वो फुलेरा से मुड़ जाती है रिंगस की तरफ और डायरेक्ट वो रेवाड़ी होकर निकल जाती है छोटा रूट लेते हुए। रेलवे ने उस गाड़ी को जो है जयपुर बांदीकुई अलवर होते हुए नहीं चलाया है। तो ये बस एक कमी रह गई जैसलमेर वालों के लिए कि जैसलमेर वालों को एक ट्रेन तो मिली रुणीचा एक्सप्रेस, पर एक ट्रेन छिन गई जो कि जयपुर होके जाती थी। तो अब जैसलमेर वालों के लिए जयपुर के लिए केवल 2 ही ट्रेन बची, और बाड़मेर वालों का तो हर तरीके से फायदा फायदा हुआ है क्योंकि बाड़मेर वालों को ऑलरेडी मलाणी एक्सप्रेस मिल चुकी थी जो कि हफ्ते में 2 दिन चलती है, और उन 2 दिनों को छोड़ के हफ्ते में बाकी के जो 5 दिन बचे हुए हैं उस दिन बाड़मेर मथुरा सुपरफास्ट चलाई जाती है मलाणी एक्सप्रेस की रेक से ही उसकी शेयरिंग होती है। उसके अलावा ये जम्मू तवी बाड़मेर यानी शालीमार मलाणी एक्सप्रेस भी डेली बाड़मेर के लिए ही चलेगी। तो बाड़मेर वालों का तो हर तरीके से फायदा है, जो लॉकडाउन से पहले केवल 1 मलाणी एक्सप्रेस चला करती थी अब बाड़मेर वालों को उसकी जगह 3 ट्रेनें मिल चुकी है, और जैसलमेर के लिए सब बराबर हो चुका है। जो रुणीचा थी वो रुणीचा उनको वापस मिल चुकी है, पर नुकसान ये है कि वो जो रुणीचा है वो अब जयपुर होके नहीं बल्कि रिंगस होके निकलती है। तो आपको कैसा लगा ये रेलवे का फैसला है ये मेरे को बता देना। हालांकि मेरा पूरा पूरा मानना है कि जैसलमेर को भी जो रुणीचा एक्सप्रेस थी वो पूरी की पूरी जो है जयपुर होते हुए चलनी चाहिए थी। बाकी रेलवे को जैसलमेर की तरफ से एक और ट्रेन चलानी चाहिए जो कि जयपुर होके निकले, जैसे बाड़मेर दिल्ली मलाणी एक्सप्रेस है, और इसकी पहल NWR ही कर सकता है क्योंकि शालीमार तो NR की गाड़ी थी जो सुबह जल्दी जैसलमेर पहुंच के और पूरा दिन जैसलमेर में खड़ी रहती थी उसके बाद निकलती थी। पर अब उसकी जगह जो है हमारा NWR जो है वो जरूर चला सकता है जैसलमेर से दिल्ली के बीच में एक ट्रेन। फिलहाल शालीमार एक्सप्रेस जो है 1 फरवरी से बंद की जा रही है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताना जरूर। तो बाड़मेर से कौन कौन है एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी चैनल पे नए हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल पे 70% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। केवल 30% ही लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जल्दी से जो है 7,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट हमें पूरा करना है। बाकी वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।